नमस्कार बच्चों, मैं कंवरपाल सिंह बेगमपुरा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में हमने हरियाणा जीके पढ़नी स्टार्ट करी थी। हरियाणा जीके के बेटे हरियाणा का गठन के हमने तीन पार्ट्स में वीडियो बनाई है। आप उन तीन पार्ट्स को देखे जो प्रीवियस लेक्चर है उनको कवर कर सकते हो। और बेटे इसके अंदर जो हम हरियाणा जीके है वो बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ हमने हरियाणा का गठन पढ़ा कि हमारा हरियाणा कब बना, कैसे बना। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा, 1 नवंबर 1966 को क्या बना, हरियाणा बना। और याद रखना, हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना। पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा भारत का कौन से नंबर का राज्य बना, तो हरियाणा भारत का कौन से नंबर का राज्य बनता है, 17वें नंबर का राज्य बनता है। और 18वां संविधान संशोधन होता है। 18वां क्या है बेटे, संशोधन है। और 17वें नंबर का क्या है, राज्य है। 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा क्या है बेटे, बनता है। जब 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बना तो उस समय 7 जिले थे। उस समय कितने जिले थे, 7 जिले थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि हरियाणा में कितने जिले हैं, कब कौन सा जिला बना। तो आज हम स्टार्टिंग से बेटे जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हरियाणा के जिलों से संबंधित पढ़ेंगे। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा कौन से नंबर की स्टेट बना, 17वें नंबर की स्टेट बना। संविधान संशोधन कौन सा बेटे, 18वां संविधान संशोधन है। अब देखो, मैंने एक बात बताई, 1 नवंबर 1966 को क्या बन गया, हरियाणा बन गया। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना तो हरियाणा के लोग बहुत खुश हुए। हरियाणा के लोग क्या हुए बेटे, बहुत खुश हुए। तो हरियाणा के लोग जब खुश होंगे तो हरियाणा वाले जमकर हंगामा करेंगे। जमकर हंगामा, बस यहां से हमारा 7 जिले कवर हो जाएंगे इसी एक लाइन से। बेटे हमने पढ़ना क्या है, आज का टॉपिक है हमारा हरियाणा के जिले। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब हमारा हरियाणा बना तो हरियाणा के लोगों ने जमकर क्या करा, हंगामा करा। और यहीं से हमारे हरियाणा के कितने जिले कवर हो जाएंगे, 7 जिले कवर हो जाएंगे। जींद, म से बेटे महेंद्रगढ़, म से महेंद्रगढ़। क से करनाल, क से क्या आ जाएगा, करनाल। ह से हिसार, ह से क्या आ जाएगा बेटा, हिसार। ग से क्या आ जाएगा, गुड़गांव। ग से क्या आ जाएगा, गुड़गांव। और इससे क्या आ जाएगा, अपना अंबाला। इससे क्या आ जाएगा, अपना अंबाला। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। और हमने कितने पढ़ने हैं बेटे जिले, 7 पढ़ने हैं। तो सबसे पहले कौन सा बना, ज से क्या बन गया, जींद। म से क्या बन गया, महेंद्रगढ़। क से क्या बन गया, करनाल। ह से क्या बन गया, हिसार। ग से क्या बन गया, गुड़गांव। अ से क्या बन गया, अंबाड़ा। अब एक रह गया बेटे, एक रह गया जिला, कौन सा रह गया, रोहतक रह गया। एक कौन सा जिला रह गया, रोहतक रह गया। तो यहां पर आप र से क्या बना सकते हो, रोहतक बना सकते हो। र से क्या बना सकते हो, रोहतक बना सकते हो। तो हमने क्या देखा कि जब हमारा हरियाणा बना उस समय कितने जिले थे, 7 जिले थे। कौन कौन से, हरियाणा वालों ने क्या करा, जमकर हंगामा करा। जमकर क्या करा, हंगामा करा। ज से क्या आ गया, जींद। म से क्या आ गया, महेंद्रगढ़। क से क्या आ गया, करनाल। ह से क्या आ गया, हिसार। ग से क्या आ गया, गुड़गांव। अ से क्या आ गया बेटे, अपना अंबाड़ा। अब एक रह गया पीछे जिला, ये तो 6 हो ना, 1 2 3 4 5 और 1 6, एक रह गया। एक कौन सा रह गया बेटे, रोहतक। एक कौन सा रह गया, रोहतक। तो ये हैं हरियाणा के 7 जिले जो कब बने, 1 नवंबर 1966 को। इसको कैसे याद करेंगे, हरियाणा वालों ने जमकर क्या करा, हंगामा करा। और इसके अलावा एक और शॉर्ट ट्रिक है इसको याद करने की, घर घर जेके में। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बन गया, बन गया तो हमने क्या करा, जमकर हंगामा कर दिया। एक ट्रिक और है हरियाणा के 7 जिलों को याद करने की, जी से क्या आएगा बेटे, गुरुग्राम, जिसे हम गुड़गांव बोलते हैं। एच से क्या आएगा बेटा, हिसार। एस से क्या आ गया, हिसार। ए से क्या आ गया, अपना अंबाला। क्या आ गया बेटे, अपना अंबाला। आर से क्या आ गया, रोहतक। आर से क्या आ गया, रोहतक। जे से क्या आ गया, जींद। जे से क्या आ गया, जींद। के से क्या आ गया, करनाल। एम से क्या आ गया, महेंद्रगढ़।
ये हमारे हरियाणा के कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। ये आपको दो तरीके बताए हैं कि आप हरियाणा के जिलों को कैसे याद कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, 1 नवंबर 1966 को अपना हरियाणा बनता है। जब हरियाणा बना तो हरियाणा के लोगों ने क्या करा, जमकर हंगामा करा, बहुत खुश हुए। और जब हरियाणा वाले खुश होंगे तो हंगामा तो होगा ही होगा। तो हरियाणा वालों ने क्या करा बेटे, जमकर हंगामा करा। ज से जींद, म से महेंद्रगढ़, क से करनाल, ह से हिसार, ग से गुड़गांव, अ से अंबाड़ा, 6 हो गए, 1 रह गया। एक कौन सा बेटे हमारा, रोहतक जिला। कौन सा जिला बेटे, रोहतक जिला। अब दूसरी ट्रिक एक और याद करने की, ये फर्स्ट ट्रिक या सेकेंड ट्रिक जो आपको ईजी लगे बेटे वो पढ़ लेना। घर जेके में, घर जम्मू कश्मीर में। घर कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। जी से गुड़गांव, एच से हिसार, ए से अपना अंबाला, आर से अपना रोहतक, जे से जींद, के से करनाल, एम से महेंद्रगढ़। तो बेटे ये हमारे कितने जिले हो गए हरियाणा के, ये हमारे हरियाणा के कितने जिले हो गए, 7 जिले हैं। और हमारे हरियाणा में जिले हैं कितने, हमारे हरियाणा के अंदर जिले हैं बेटा 22। हमारे हरियाणा में कितने जिले हैं, 22 जिले हैं। और हमने अभी कितने पढ़ लिए, 7 पढ़ लिए। इट मींस जो पेंडिंग जिले हैं 15, वो भी हमें पढ़ने पड़ेंगे कि कौन कौन सा जिला कब बना। अभी मैंने क्या बताया आपको कि 1 नवंबर 1966 को क्या बन गया, अपना हरियाणा बन गया। जब बेटे अपना हरियाणा बना तो हरियाणा के लोगों ने जमकर क्या करा, हंगामा करा। जमकर क्या करा, हंगामा। अब जो जमकर हंगामा है, यहीं से हमने कितने जिले देख लिए हरियाणा के, 7 जिले देख लिए। इसके बाद मैंने एक ट्रिक और बताई कि घर जेके में। घर कहां पे बेटे, जेके में। जी से गुड़गांव, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल, एम से महेंद्रगढ़। अब ना बेटा 1 नवंबर 1966 कितने जिले हैं, 7। 2024 कितने जिले हैं, 22। इट मींस 15 जिले। कितने जिले बेटे, 15 जिले। तो अब हम ये देखेंगे कि 15 जिले कब बने। अब इनको याद करने के लिए बस आपको पहली क्लास में जाना है, सेकंड क्लास में, दूसरी क्लास में, बस आपको एक का टेबल आना चाहिए और उसके मल्टीपल आने चाहिए। मैं आपको पहले, सबसे पहले ना ईयर्स बताऊंगा। क्या बताऊंगा, ईयर्स बताऊंगा कि कौन से ईयर में कौन सा जिला बना है। पहले ईयर्स देखेंगे। सबसे पहले बेटे 1972, उसके बाद 1973, उसके बाद ये इसको ऐसे लिख लो 1972, उसके बाद 1973, 1975, उसके बाद 1979, इसके बाद 1989, और इसके बाद बेटा 1995, 1997, इसके बाद तो 2 का टेबल है, 2 दुनी 4, 2 दुनी 8, 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16। बेटे मैंने आपको ना कुछ एक ईयर्स लिखवाए हैं। सबसे पहली बात याद रखो, 1 नवंबर 1966 को क्या बना, हरियाणा बना। जब हमारा हरियाणा बना तो हमने जमकर क्या करा, हंगामा करा। अगर अब हमने हंगामा कर दिया, हमने क्या कर दिया, हंगामा कर दिया, तो उसी जमकर हंगामे से हमने कितने जिले देख लिए, 7 जिले देख लिए। अब इसके बाद मैंने एक ट्रिक और बनाई, जो कौन सी बताई आपको, घर जेके में। और बेटे अब इसके बाद ये जिले हैं, वर्तमान में कितने जिले हैं, 22 जिले हैं। और तो हमें कितने जिलों का और नाम याद करना है, 15 जिलों का, कि 15 जिले कौन कौन से हैं, कब बने। अब ये कुछ ईयर्स हैं, ये कुछ क्या है बेटे आपके सामने, ईयर्स हैं। ये तो याद करने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। 2000 के बाद वाले तो 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16। अब इसके बाद ये सिर्फ एक याद करना है, पहला कौन सा याद करना है, पहला याद करना है 72 वाला। कौन सा याद करना है, 72 बेटे। सिर्फ 72 में एक जोड़ दो, 72 में कितना जोड़ दो, एक जोड़ दो, तो कितना बन जाएगा, 73। 1 दूनी 2, एक को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 आ जाएगा। तो आगे 73 में कितने जोड़ने हैं, 2 जोड़ने हैं, तो क्या बन जाएगा बेटे, 75 बन जाएगा। आगे 2 दूनी 4 कितना बन जाएगा, 79 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, क्या बताया मैंने, एक बार दोबारा देख लो,
1972, क्या बेटे 1972, फिर 1973, 75, 79, आपको भी ऐसे ही याद हो जाएंगे। करना क्या है, सिर्फ एक याद रखना है, कौन सा 1972 का, 72 में एक जोड़ना है, 72 में कितना जोड़ना है, एक जोड़ना है बस। 72 में कितना जोड़ो, एक जोड़ो, 72 में कितना जोड़ दिया, एक जोड़ दिया, तो कितना बनेगा बेटे 73 बनेगा। 72 में 1 जोड़ो, कितने बनेंगे 73 बन जाएंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 दूनी दूनी 2 जोड़ दो, कितना बन जाएगा 1975 बन जाएगा। 2 दूनी कितने होते हैं बेटे 4, 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, 4 जोड़ दो कितना बन जाएगा 1979 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 1979। ये तो हो गए हमारे 4 इयर्स, एक जोड़ा कितना जोड़ा एक, एक जोड़ के क्या बन गया 73, एक दूनी दूनी दो दूनी 4, 1979। अब हमारे कर्म अच्छे हैं कि अगला हमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीधा 79 में 10 जोड़ दो 1989 आ जाएगा सीधा, बीच में कोई जिला बना ही नहीं, बीच में कोई भी जिला नहीं बना। एक दूनी दूनी दो दूनी 4, एक याद करो 72, 72 में जोड़ा 73, 73 में 2 जोड़े 75, 75 में 4 जोड़े 79, 79 के पूरे दशक के बाद, किसके बाद बेटे 10 साल को दशक बोला जाता है, पूरे दशक के बाद 1989 में क्या बनेंगे, जिले बनेंगे। और ये दोनों रट्टे मारने पड़ेंगे, इसको डायरेक्ट याद करो 1995 और 1997, ये तो बता ही दिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। एक बार दोबारा लिख के फिर भी आपको बता देता हूं कि आपको किसी भी तरह से बेटे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पेपर में इससे हमने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैंने क्या बताया 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, तब कितने जिले थे 7 जिले थे, और 2024 में वर्तमान के अंदर कितने जिले हैं 22 जिले हैं। अब सबसे पहले मैंने क्या बताया, सिर्फ एक याद करना है, कौन सा बेटे 72, ऐसे याद करना है आपने भी, 72 में एक जोड़ो, कितना जोड़ो एक, 73, एक दूनी कितने होते हैं दूनी, यहां दो जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा बेटे 75, दो दूनी कितने होते हैं बेटे 4, तो कितना आ जाएगा 1979। अब इसमें इसमें हमारी कर्म अच्छे हैं कि सिर्फ एक दशक जोड़ना है, दशक मतलब 10 साल, तो क्या आ जाएगा 1989। और यहीं से बेटे आपके हरियाणा के जिलों के जो ईयर्स हैं वो आपको चुटकियों में क्या हो जाएंगे याद हो जाएंगे। दो दुनी, इसके बाद एक और दो बताए थे मैंने, वो रट्टा मारने हैं 1995 1997, आगे तो दो का टेबल, दो दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, ये हो गए बेटे सारे के सारे ईयर्स। ये किसके सारे के सारे ईयर्स हो गए, हरियाणा के सारे क्या हो गए ईयर्स हो गए। अब देखो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं इसको, 72 भीम खाता बहुत था, भीम क्या था बेटे खाता बहुत था और सोता बहुत था, तो ऐसे याद रखो 72 घंटे भीम सोया, कैसे याद रखो 72 घंटे कौन सोया बेटे भीम सोया। अब यहीं से तुम्हारा 1972 का पहला भी क्लियर हो गया, पहला भी कैसे क्लियर हो गया 72 घंटे कौन सोया भीम सोया, तो यहां से क्या बन जाएगा भिवानी, क्या बन जाएगा बेटे भिवानी और सोनीपत, कौन कौन से जिले बनेंगे भिवानी और सोनीपत। अब सुनो हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था भिवानी, हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा था बेटे भिवानी, इसी भिवानी से एक नया जिला बना दिया जिसका नाम है चरखी दादरी, जिसका नाम क्या है बेटे चरखी दादरी। तो हरियाणा में 2016 के अंदर सबसे नया जिला कौन सा बना चरखी दादरी। एक इधर से हमने पहला पढ़ लिया 72 घंटे कौन सोया भीम सोया, तो भिवानी और सोनीपत, ये भिवानी पहले सबसे बड़ा जिला था, पहले कैसा जिला था सबसे बड़ा, इसी भिवानी से क्या बना दिया पुत्र चरखी दादरी बना दिया, क्या बन गया चरखी दादरी बन गया। अब बेटा 2008 कौन सा जिला, 2008 में हमारे हरियाणा का एक जिला बना जिसे आप लोग बोलते हो पलवल, 2016 में चरखी दादरी भिवानी से अलग होके 2008 में बेटे क्या बन गया पलवल बन गया। अब 2004 में ना चटाला साहब की सरकार है वो अनाउंस करके जाएंगे कि एक जिला बनाया जाएगा सत्यमेवपुरम यमेवाद के नाम से, 2004 में अनाउंसमेंट हुई पर जिला बना कब 2005 के अंदर और किस नाम से बना मेवात के नाम से बना जिसे वर्तमान में नूह बोला जाता है। 72 घंटे भीम्स हो गया भिवानी सोनीपत, इसी भिवानी को काट दो,
भिवानी से क्या बन गया, चरखी दादरी, यही सबसे नया जिला हो गया चरखी दादरी। उसके बाद हमने एक जिला और बना दिया, या उससे पहले हमने एक जिला और बना रखा था पलवल, और उससे पहले एक जिला और अनाउंस हो रखा है मेव जाति के मुस्लिम के नाम पे जो जिला है, जो कौन सा बना, मेवात, और यही मेवात क्या कहलाता है बेटे, नूह कहलाता है। तो हमने कितने जिले देख लिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अब कितने जिले रह गए बेटे, 10 जिले रह गए, कोई चक्कर नहीं। अब ये 73 और 75, अगर आप 1973 पे आओगे, किस पे आओगे बेटे, 1973 पे आओगे, तो हमारा हरियाणा का एक जिला बना जहां पे क्या लड़ी गई, महाभारता लड़ी गई, उस जिले का नाम क्या है, कुरुक्षेत्र है। उस जिले का नाम क्या है बेटे, कुरुक्षेत्र। और हमारा कुरुक्षेत्र प्यारा जिला कब बनेगा, 1973 के अंदर, और बेटे 1975 में बन गया सिरसा। 1975 में क्या बन गया बेटे, सिरसा। 1975 में क्या बना, सिरसा। अब इसको चाहे देख लो, 73 में क्या बना दिया अपने, कुरुक्षेत्र, 73 में क्या बना दिया, कुरुक्षेत्र, 75 में क्या बना दिया, सिरसा। अब सुनो एक बार, क्या बेटे, एक बार सुनो, अब यहां पे 1989 ये बड़ा देखते हैं, इसके साथ ना आपके चार जिले मिनट में कवर हो जाएंगे। कितने जिले कवर हो जाएंगे बेटे, चार जिले, के पायो रे, एचएसएससी की तैयारी करके के पायो रे, एचएसएससी की तैयारी करके के पायो रे। तो यहीं से 1989 के अंदर चार जिले कवर हो रहे हैं, कौन कौन सा बेटा, कैथल, कौन सा बेटा, कैथल, पानीपत, कैथल, पानीपत, यमुना नगर, कैथल, पानीपत, यमुना नगर, और रेवाड़ी, और कौन सा जिला बेटा, रेवाड़ी जिला। अब हमने क्या देखा कि 1972 में कौन सोया, भीम सोया, कितने घंटे सो गया, 72 घंटे सो गया, तो भिवानी सोनीपत, इसी भिवानी से क्या बन गया, चरखी दादरी बन गया, उससे पहले क्या बना, पलवल बना, और फिर क्या बना, मेवात बना। अब 1989 क्या बेटे, 1989 के अंदर आपने याद रखना है के पायोरे, 1989 में आपने याद रखना है के पायोरे, तो के पायोरे से एक आएगा कैथल, पानीपत, यमुना नगर और रेवाड़ी, और रेवाड़ी, ये हमारे जिले हो गए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कवर हो गए, 6 रह गए, कितने रह गए बेटे, 6 भी पढ़ लेंगे। 5 से बनाओ पंचकुला, 5 से क्या बनाओ, पंचकुला, 5 से क्या बन जाएगा, पंचकुला बन जाएगा। अब ये मैंने आपको बता ही दिया, अब ये देखो 79 और 97, दो जिले है ना, एक 79, दूसरा कौन सा 97, 1979 और 1997, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है। अगर बेटे 79 का अपोजिट क्या बनेगा, 97 बनेगा। हरियाणा में दो जिले हैं बेटे, एक है फरीदाबाद, एक कौन सा है बेटा, फरीदाबाद, एक कौन सा है, फतेहाबाद है, एक कौन सा है, फतेहाबाद। हरियाणा के दो जिले, एक का नाम फरीदाबाद, एक का नाम क्या है, फतेहाबाद। मतलब जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, एफ से स्टार्ट हो रहे हैं, जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, एफ से स्टार्ट हो रहे हैं, एक का नाम क्या है, फरीदाबाद, एक का नाम क्या है, फतेहाबाद। मैंने आपको बताया कि हरियाणा का सबसे बड़ा जिला भिवानी था, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा था, भिवानी। अब भिवानी से दादरी बन गया, भिवानी से क्या बन गया, दादरी बन गया, तो ये इसका एरिया कम हो गया, तो कोई ना कोई जिला बड़ा बना होगा, तो सबसे बड़ा जिला होगा सिरसा, सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा, सिरसा। तो बेटे ऐसे ही कोई सबसे छोटा जिला भी होगा, बड़ा तो सिरसा है वर्तमान के अंदर, तो सबसे छोटा जिला कौन सा है, फरीदाबाद है, सबसे छोटा जिला कौन सा है बेटे, फरीदाबाद। अब इन दोनों में, इन दोनों में जो छोटा है उसके आगे छोटा जिला लिख दो बस, 1979 छोटा है, और हमारा छोटा जिला भी कौन सा है, फरीदाबाद है, छोटा जिला भी कौन सा है बेटे, फरीदाबाद है। तो 1979 में आ जाएगा बाबा फरीद के नाम पर बसा हुआ जिला फरीदाबाद, और बच गया क्या 97 में क्या आ जाएगा, फतेहाबाद, क्या आ जाएगा बेटा, फतेहाबाद। अब 72 घंटे बीम्स हो गया, 72 घंटे कौन सो गया, भीम्स हो गया, भिवानी और सोनीपत। उसके बाद इसी भिवानी में से क्या बन गया 2016 में, दादरी बन गया, इससे पहले क्या बन गया, पलवल बन गया, इससे पहले क्या बन गया, मेवात बन गया। और बेटे उसके बाद मैंने आपको क्या बताया,
1989 में केप आए और कैथल, पानीपत, यमुनानगर और रेवाड़ी। अब इसके बाद और क्या बताया कि पांच से क्या बनाओ, पंचकुला बनाओ। अब यहां पे दो इयर्स हैं जो एक दूसरे के उल्टे हैं, 79 और 97। कृपा ऐसी हुई कि हमारे हरियाणा में दो जिले भी ऐसे हैं जो एफ से स्टार्ट होते हैं, एक फरीदाबाद एक फतियाबाद। फरीदाबाद हरियाणा का सबसे छोटा जिला, छोटे के आगे छोटा लिख दो, बात ही खत्म है और कुछ सोचना ही नहीं। तो फरीदाबाद छोटे के आगे आ गया और 97 नंबर्स में बड़ा है तो वहां पे क्या आ गया, फतेहाबाद आ गया। 73 में मैंने आपको अभी बताया ही था क्या बनेगा, महाभारत का स्थान कुरुक्षेत्र बनेगा। और 75 में पिताजी आएंगे, 75 में क्या बन जाएगा, सिरसा। 75 में क्या बन जाएगा, सिरसा। अब रह गया कितने, 7 8 9, 10 11 12 13 14 15 16, 17 18 19 20 21, एक रह गया बेटे, एक जिला रह गया, शहीदों का वास रह गया। शहीदों का वास आ जाएगा 1997 के अंदर, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, झज्जर। और ये आपके सामने हमारे हरियाणा के कितने जिले हुए, 22 जिले हुए। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूं, 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बना। 1 नवंबर 1966 को हमारा क्या बना बेटे, हरियाणा बना। जब हमारा हरियाणा बना तब कितने जिले थे, 7 जिले थे। मैंने आपको कैसे बताया कि हरियाणा के लोगों ने, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटे सारे के सारे। अभी मैंने आपको क्या बताया कि 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तो हरियाणा के लोगों में बहुत खुशी हुई, तो हरियाणा के लोगों ने जमकर क्या करा था, हंगामा करा। इसी जमकर हंगामे से मैंने आपको कितने जिले बता दिए थे, 7 जिले बता दिए। कितने जिले बता दिए बेटे, 7 जिले बता दिए। जींद, कितने जिले बताए, 7 जिले बताए। कैसे, एक बार दोबारा देख लो चाहे जल्दी जल्दी में। जमकर हंगामा, जींद, महेंद्रगढ़, करनाल, हिसार, गुड़गांव, अंबाला, एक रह गया रोहतक। यह भी बहुत अच्छी ट्रिक है, घर जेके में, गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, 7 जिले हो गए। ये कब बने, 1 नवंबर 1966 को। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप पहले ये याद कर लो ना, 72 घंटे भीम सोया। 72 घंटे कौन सोया बेटे, भीम सोया। ईयर बन गया 1972, ईयर कौन सा बन गया, 1972, भीम से भिवानी और सोनीपत। 72 में एक जोड़ना था, कितना जोड़ना था, एक, तो क्या बन गया, 73, एक दूनी दूनी दो जोड़ दो, 75 दो दूनी चार, 79, 79 से पूरा दशक, 10 साल को दशक बोला जाता है, 89। उसके बाद 1995, 97, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, सारे ईयर आपके सामने हैं। पहले मैंने क्या बताया, 72 घंटे कौन सो गया, भीम सो गया, तो यहां पे भिवानी, भिवानी से मैंने क्या बताया था, एक जिला बना, चरखी दादरी, क्या बन गया बेटे, चरखी दादरी। और चरखी दादरी से पहले बना पलवल, चरखी दादरी से पहले क्या बना, पलवल। चौटाला साहब कहते हैं जिला बनेगा मेवात, सरकार चली गई, हुड्डा साहब आ गए और नया जिला बना दिया, कौन सा बेटे, मेवात। कब बनाया, पर 2005 के अंदर। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था, के पायो रे, कैथल, पानीपत, यमुनानगर, रेवाड़ी। उसके बाद 79 और 97 दो जिले जो एफ से स्टार्ट हो रहे हैं, फरीदाबाद और फतेहाबाद। छोटा कौन सा है, फरीदाबाद है, तो छोटे के आगे कौन सा लिख दिया, छोटा लिख दिया, तो 79 में क्या बन गया, फरीदाबाद बन गया। 79 में क्या बन गया बेटे, फरीदाबाद, और 97 में क्या बन गया, फतेहाबाद। इसके साथ पंच को बना दो, पंचकुला, हरियाणा के हेड ऑफिस, एचएसएससी का हेड ऑफिस पंचकुला। अब हमने उसके बाद 73 में आ गया कुरुक्षेत्र, 75 में आ गए पिताजी, सिरसा, एक रह गया बेटे फतेहाबाद के साथ झज्जर। ये बेटा आपके हरियाणा के 22 जिले हैं, आपने उसको ऐसे ही मन लगा के याद करना है। पेपर में इसे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1 नवंबर 1966 को कितने जिले थे, 7 जिले थे। अब एक लास्ट और, बस एक लास्ट, चरखी दादरी कब बना, बस चरखी दादरी कब बना, HSSC के अकॉर्डिंग ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगली क्लास में आपको इसका आंसर क्या कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। थैंक यू।